सर ये बताइए, जनता यहाँ पर जिस तरह का जोश और उत्साह दिखा रही है उससे एक बात तो तय है कि इस बयान ने अपना काम कर दिया। अब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए था वो तो मिल गया। जिसकी जैसी सोच हाँ, रावण बुला तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसको सजा होगी और जनता जनार्दन देगी। और नरेंद्र भाई मोदी का एक ही उसूल है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका विश्वास हासिल हो चुका है क्या मोदी जी को? हाँ। पंकज भाई, जो स्थिति मैं गुजरात में देख रहा हूँ बड़ी डमाडोल स्थिति है। पिछली बार 77 पहुंच गए थे, इस बार तो आपने ऐसा कर दिया कि जनता का मिजाज देखकर मुझे मामला आपका गड़बड़ी लग रहा है। मैं आपको सवाल करता हूँ कि आपकी डिबेट शुरू हुई और अभी तक आप किसी एक पक्ष की तरफ के सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, सुनिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुनिए मेरी बात, सुनिए पंकज जी मेरी बात सुनिए। मैं किसी पक्ष की नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई है और उस टिप्पणी को लेकर मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आपसे सवाल करूंगा और आपको 10 बार जवाब देना पड़ेगा। बोलिए। मैं जवाब आपको दिया, मैंने जवाब दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा वो अहंकारी रावण था। इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, मौत का सौदागर, नीच, चाय वाला, हिटलर, ये क्या था फिर? ये क्या था? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मौत का सौदागर हो, हिटलर हो, चाय वाला हो, क्या चाय वो नहीं बेचते थे क्या? तो नीच कहेंगे आप चाय वाले को? क्या चाय वाला नीच होता है? क्या जो चाय बेचता है वो नीच होता है? अब आप बताइए, क्या आप बताइए तरफदारी करेंगे? नहीं, चाय बेचने वाला क्या नीच होता है? क्या चाय बेचना नीच काम है? आपके पास जवाब नहीं है। राजेश भाई सर आपको हो गया, आपका जवाब आ गया। राजेश भाई, क्या हो गया है कांग्रेस को? पहली बात तो जो कांग्रेस के 3 सबसे बड़े चेहरे हैं वो इस चुनाव से गायब है। राहुल गांधी एक दिन के लिए आए, रवायत पूरी करके चले गए। प्रियंका गांधी झांक नहीं रही है, सोनिया गांधी निकल नहीं रही है, और एक नए नवेले अध्यक्ष निकले तो खुद अपनी बाउंड्री में सेल्फ गोल कर दिया। अब होगा क्या कांग्रेस का? देखिए, बात यह है कि मैं अगर खड़ा हूं, मुझे पता है कि यहां से सब कुछ जा रहा है, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूंगा? ये स्वीकार कर लिया लगता है मुझे तो। और जो अहंकार वे अभिमान वाली बात है तो मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर मेरा ईगो आपको तब दिखेगा जब आपका ईगो मुझे दिखेगा। अगर आप ईगो नहीं करोगे तो मुझे ईगो आप मेरा ईगो आपको दिखेगा ही नहीं। जी, 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 जी। तो कांग्रेस ने यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत पुराने काम गिनवा के काम करना चाहती है। मगर अगर राहुल जी आते गुजरात में प्रवास करते जी। तो बहुत तस्वीर बदल सकता। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।